कोरोना के कारण 17 जनवरी को होने वाले सामूहिक विवाह में इस बार 15 से 17 जोड़े का होगा विवाह, मुख्यमंत्री के पहुंचने की उम्मीद। धनबाद जिले में 17 जनवरी को रविवार के दिन सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें 15 जोड़ों की शादी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, जिसमें 111 से भी अधिक जोड़ों का विवाह होते थे, लेकिन इस बार कोरोना का कहर को देखते हुए मात्र 15 जोड़ों की शादी होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। धनबाद में प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना है। इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के जोड़ों का विवाह किया जाता है। प्रदूषण रहित समाज रखने के उद्देश्य से टोटो से बारात निकाली जाती है। इस बार मात्र 11 जोड़ों की विवाह का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 जोड़ी हो चुके हैं। जिन सभी 15 जोड़ों का विवाह जिले के गोल्फ ग्राउंड मैदान में रविवार के दिन किया जाएगा। आयोजन समिति के द्वारा आज सभी जोड़ों को वस्त्र आभूषण दिया गया। आपके साथ लड़का भी है? हाँ जी, साथ में तो आराम से देखिए। इधर इधर देखिए, इधर देखिए। पटी हुई खाली हल्का हाथ लगे। इस मौके पर टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बार आएंगे और वर वधु को आशीर्वाद भी देंगे। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी सभी सर्वधर्म के लोग आज 17 जोड़ा को वस्त्र वितरण किया गया। इन सब की 17 तारीख को शादी होना है और हमारे तरफ से और हमारे सरकार हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से इन सभी नव दंपति का हम लोग शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री आवे, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। उम्मीद है कि रविवार के दिन वो सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आज हम लोग लगातार 7 वर्षों से सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा सर्वधर्म से जुड़े बच्चे और बच्चियों की शादी कराई जा रही है। 17 तारीख को ये शादी है। आज उसी के निमित्त आज हम लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन और बच्चों को जो है शादी का जोड़ा दिया जा रहा है। इसी कपड़े को पहन करके बच्चे उस दिन शादी पे आएंगे और ये शादी हम लोगों का मेन उद्देश्य है, तिलक दहेज रहित शादी है। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि शादियों में कोई भी तिलक दहेज लेंगे उनको ये मंच हम लोग नहीं देते हैं। ये मंच हम लोग का जो है तिलक दहेज जो है रहित है और आपसी एकता को भी संदेश देता है, जहाँ सर्वधर्म से जुड़े बच्चे एवं बच्चियों की जो शादी होती है सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे, पूरे धनबाद के 32 संस्थाओं का इसमें सहयोग रहा है हमेशा और हमारे माननीय मंत्री जी का भी आने का उम्मीद है, वो भी आएंगे। इस हम लोगों ने कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग तो इसके पहले 121 का अनाउंसमेंट किया था इस साल, लेकिन उतनी भीड़ हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जिसके वजह से जो हम लोग इस बार 15 जोड़े के शादी करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का हम लोग जो है पूर्ण ख्याल करेंगे। इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग का और उसमें शादी हम लोग का जो है गायत्री मंत्र से शादी होता है, सभी उसी तरह से होगा। बारात सरात को जो है खाने की व्यवस्था की जा रही है।